है फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंडोली स्टडी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। चलिए देखते हैं आज के वीडियो का हम पहला क्वेश्चन। प्रश्न दिया हुआ है आपके पास, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है दोस्तों, आपको खाली स्थान भरना है, जिसमें से नीचे बॉक्स में मैंने आपको आंसर बताया हुआ है। पहला प्रश्न है आपका, आंवला में विटामिन खाली स्थान पाया जाता है, आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी। सेकेंड है आपका, मरकरी खाली स्थान धातु है, मरकरी कौन सी धातु है, तो एक द्रव धातु है मरकरी। न्यूरोप्रिन का खाली स्थान रबर है, क्या है, कृत्रिम। स्कंदन खाली स्थान के ठीक विपरीत होता है, स्कंदन के ठीक विपरीत क्या होता है, पेप्टीकरण। आर्थोफास्फोरिक अम्ल में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था खाली स्थान होती है, क्या होती है, +5 होती है। पिघली अवस्था में सोडियम क्लोराइड के विद्युत का सुचालक होने का कारण खाली स्थान है, क्या है, स्वतंत्र आयन। टेल्कोपाइराइट खाली स्थान धातु का मुख्य अयस्क है, क्या है, कॉपर। श्वेत फास्फोरस वाष्प अवस्था में खाली स्थान संगठन रखता है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं नहीं बताने वाली हूँ। अगला देखते हैं, आर्लान में एकलक खाली स्थान होता है, क्या होता है, विनाइल साइनाइड। आकार की है तथा अनुवांशिक रूप से एक समान जीव खालिस्तान कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वह क्लोन। 11th नंबर का क्वेश्चन है आपका, ड्रोसाइफिला मेलानोगेस्टर पर खालिस्तान ने काम किया, किसने किया था, मार्गन ने। पशु तथा मानव पोषण के लिए प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोतों में से खालिस्तान एक है, तो उसका नाम है SCP। पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को खालिस्तान कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हरे पादप को उत्पादक कहा जाता है। जीवाणु पर संक्रमण करने वाले विषाणु खालिस्तान कहलाते हैं, करने वाले क्या कहलाते हैं, संक्रमण करने वाले विषाणु। सर्वोच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता खालिस्तान की होती है, किसकी होती है, सर्वोच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की ज्यादा होती है। सामान्य ताप पर ब्रोमीन खालिस्तान है, क्या है, द्रव है। क्लोरीन की खोज खालिस्तान ने की, किसने की थी, कार्ले विलियम सिल्वे। ब्लीचिंग पाउडर को खालिस्तान भी कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम क्या है, ऐसा भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें से इसका सही जवाब है विरंजक चूर्ण कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। हाथी दांत तेल आदि के विरंजक में खालिस्तान गैस का उपयोग किया जाता है, कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो ओजोन गैस का। जल का घनत्व खालिस्तान ताप पर अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिक होता है। अगले में आपको बताना है, सत्य सत्य बताना है, जिसमें से पहला प्रश्न है, समूह 16 के तत्व हेलोजन कहलाते हैं, यह असत्य है क्योंकि समूह 16 के तत्व हेलोजन नहीं कहलाते हैं। एक हेलोजन परमाणु दूसरे हेलोजन के साथ जुड़कर अंतरा हेलोजन यौगिक बनाते हैं, यह सत्य है। एथिल एमीन जल में विलय है जबकि एनिलिंग नहीं, यह भी सत्य है। अगला है, एथिलीन ग्लाइकोल और लैटिन अमेरिकी क्रिया से टेरेलिन बनता है, यह सत्य है। स्टार कृत्रिम बहुलक है, असत्य। एक वाक्य में उत्तर देना है आपको, जिसका पहला प्रश्न है, पेनिसिलियम में अलैंगिक प्रजनन किस पद्धति से होता है, इसका जवाब है, सही जवाब इसमें मतलब उत्तर मैंने नीचे बॉक्स में दिया हुआ है आपको, विखंडन। सेकंड प्रश्न है, मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है, Y। एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ब्रेक्स मिस्ट। डीएनए अणु को काटने वाले एंजाइम कहलाते हैं एंडोन्यूक्लीज। ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है, 90%। किस प्रकार के संकुल IUPAC नामकरण में 8 शब्द लगाते हैं, जिसमें संकुल आयन ऋणात्मक हो। उस कार्बन धात्विक यौगिक का नाम लिखिए जिसका उपयोग पेट्रोल में अपशिष्ट रोधी यौगिक के रूप में किया जाता है, इसका सही जवाब है टेट्रा एथिल लेड। अगला प्रश्न है, ऐसे उदास है अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसंयोजी बंध बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, इसका सही आंसर है संलग्नी। एक अम्लरोधी पदार्थ
का उदाहरण लिखिए, पेंट्रा प्रेजोल। एक खाद्य परीक्षण का नाम लिखिए, प्राकृतिक नमक। खाद्य परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है, एक सांस्कृतिक होता है, जिसमें से प्राकृतिक में आएगा नमक और तेल, सांस्कृतिक में आएगा सोडियम बेंजोएट। सही विकल्प चुनकर बताना है, जिसमें से आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, षष्ठी कोणीय क्रिस्टल का उदाहरण है, जिसमें से आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, हीरा, ग्रेफाइट, नमक, पानी। इसका सही जवाब हो जाएगा सेकेंड नंबर का, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, पायस का उदाहरण है मक्खन, मक्खन, धूल, रबर, बादल। जिसका सही जवाब है मक्खन। बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक। जिसका सही आंसर है फर्स्ट नंबर का, एल्यूमिनियम। K4FeCN6 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या होंगी 3, 2, 8, 5। जिसका सही जवाब है सेकेंड नंबर का, 2। अगला है, सीसीएम क्लोराइड में यदि सीजीएम आयन की समन्वय संख्या 8 हो तो क्लोराइड आयन की समन्वय संख्या होंगी 8, 4, 6, 12। इसका सही जवाब है फर्स्ट नंबर का, 8 होंगी। अगला है, सक्रिय चारकोल में एसिटिक अम्ल की अधिशोषण प्रक्रिया में एसिटिक अम्ल है अधिशोषण, अधिशोष्य, अधिशोषक, अधिशोष्य। इसका सही जवाब है सेकेंड नंबर का, अधिशोष्य। चूना पत्थर अयस्क को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, धात्विक में इस प्रक्रम को कहते हैं प्रगलन, अयस्क प्रसाधन, निस्तापन, भर्जन। का सही जवाब है थर्ड नंबर का, निस्तापन। अगला प्रश्न है आपका, आइसोसाइनाइड परीक्षण लेता है 1-amine, 2-amine फिनाल ट्राई एथिल एमिन। इसका सही जवाब है फर्स्ट नंबर का, 1-amine। अगला है, दूध में उपस्थित डाई सैटेलाइट है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, सेलुलोज। इसका सही आंसर है आपका सेकेंड नंबर का, लैक्टोज। अभ्यारण्य से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है, क्या होता है? तो इसका सही आंसर है आपका फोर्थ नंबर का, बीजाणु। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के एक प्रति की अधिकता से होता है, 21, 18, 13, 19। इसका जवाब है सही फर्स्ट नंबर का, 21। कवक का पादप जड़ों के साथ सहजीवी संबंध का उदाहरण है लाइकेन, माइक्रोराइजा। इसका सही आंसर है सेकेंड नंबर का, माइक्रोराइजा। अगला है, इंसुलिन की कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, कितनी, 2, 4, 5, 3। इसका सही आंसर है थर्ड नंबर का, 5। वायुमंडलीय N2 नाइट्रोजन की का स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी जीवाणु है। इसका सही जवाब है सेकेंड नंबर का। अगला प्रश्न है आपका, सबसे प्रबल अपचायक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का। अगले में आपको सही जोड़ी मिलानी है, तो पहला दिया गया है साटकी दोष, फ्रेंकल दोष, अनुचुंबक, जिंक, ब्लेड, क्यूप्रिक। इसमें मैंने आपको आंसर बताया हुए है, देखिए यह आंसर है। अगले में भी आपको सही जोड़ी मिलानी है, साटकी दोष, स्वर्ण संख्या, विरंजक चूर्ण, प्राकृतिक रबर, बैक लाइट। जिसके आंसर ये दिए हुए हैं मैंने आपको, आप देख सकते हैं। वासे क्योटोमी ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्वामीनाथन पल्ड्रियोम, एक पारिस्थितिक तंत्र। इसकी सही जोड़ी का आंसर ये है। लास्ट भी आपको सही जोड़ी दी हुई है मैंने, सिक्का धातु, दुर्बल मृदा तत्व, मिश्र धातु, असामान्य व्यवहार, सभी रेडियोधर्मी। जिसके आंसर ये है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।